गोंडा में जिला महिला अस्पताल में कर्मचारियों पर डिप्टी सीएमओ की कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है। बता दें, एसीएमओ ने महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। सीएमओ के निरीक्षण के दौरान अस्पताल में बिना काम के सादे पोशाक में आशा घूमती मिली। अधिकारी द्वारा जब उन्हें बुलाकर पूछा गया कि अस्पताल कैसे आई हो, कोई भी आशा जवाब नहीं दे पाई, जिस पर एसीएमओ ने 14 आशा बहू को निलंबित करने के निर्देश दिए। बता दें, काफी समय से महिला अस्पताल में अवैध वसूली की लगातार शिकायतें मिल रही थी। अपने को आशा बहू बताकर कई महिलाएं दलाली करती पाई गई। अस्पताल में दलालों के प्रवेश को रोकने के लिए सीएमओ ने अस्पताल कर्मचारियों को ड्रेस कोड में आने का निर्देश दिया था। आशा बहुओं द्वारा लगातार जो है आदेश का पालन नहीं किया जा रहा था। आशाओं को बिना ड्रेस कोड में अस्पताल में आने का सिलसिला भी लगातार जारी था। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एपी सिंह ने बताया कि महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न ब्लॉकों से अस्पताल पहुंची आशा बहु बिना काम के घूमती मिली। इनके द्वारा ड्रेस कोड का भी पालन नहीं किया गया, जिस पर विभिन्न ब्लॉकों से अस्पताल में 14 आशा बहुओं को निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री जी के ट्विटर पे जो संदेश आया, उसके बाद हम लोग को लगा कि अगर इतनी खराब स्थिति है तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और कल मैं प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर था, मैं तुरंत अपनी टीम को लेके गया। और जो सबसे बड़ी वहाँ की समस्या थी कि आशाओं के माध्यम से दलाली हो रही है, वो मरीजों को कैंपस से निकाल के प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ ले जा रही है और मना करने पर चिकित्सक से और स्टाफ से झगड़ा भी करती है। ये शिकायतें वाकई में वहाँ